अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जो आज का मेरा मैसेज है वो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए है
ये जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का दिन है, 12 रबीउल अव्वल, द डे ऑफ बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, व्हाट डज दिस डे गिव अस अ मैसेज। ये जो दिन है ये हमें बहुत बड़ा पैगाम दे के जाता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, ये हमारे लिए एक अमली नमूना है। आपकी जो हयात तैयबा है हम उस पर अमल करके हमें पूरी ज़िंदगी की जो है ना वो रहनुमाई मिलती है। मिसाल के तौर पे नो डाउट्स लोग जो हैं दे सेलिब्रेट दिस डे विद देयर जीस्ट एंड जील विद देयर पम्प एंड शो, सैब इस्तात जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाया जाता है, बाजारों को सजाया जाता है, शहरों के अंदर जो मसाजिद हैं, बड़े बड़े जो दफातर हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल हब्स हैं, जो बड़े बड़े मेगा स्टोर्स हैं, सजाना चाहिए। और ये जो ट्रेडिशंस है विद एवरी पासिंग ईयर इसको हमें बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन होना ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के असूल हैं हमें उनको अडॉप्ट करना है, उन पे हमें अमल करना है। देखिए अमल करेंगे तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बंजर हो ज़मीन तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके जो असूल हैं उसको अडॉप्ट करना होगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा पे बड़ी खूबसूरत जो बात है ना वो की थी मसावात के बारे में। आज हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर अख़ुव्वत, भाईचारा, रवादारी, मसावात, अदलो इंसाफ, यूनिटी जो है, इन सारी चीज़ों का फुकदान है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ओ पीपल ऑल ऑफ यू हैव वन गॉड एंड ऑल मैनकाइंड इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम, नो अरब हैज एनी सुपेरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉर अ नॉन अरब हैज एनी सुपेरिटी ओवर अ अरब। दिस इज वेयर वी नीड्स टू गो कि किसी अरबी को अजमी और किसी अजमी को अरबी पे कोई, किसी गोरे को काले और किसी काले को गोरे पे कोई फकीयत हासिल नहीं। लेकिन आज हमारे माशरे में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो ये मसावात है उसका फुकदान है, अख़ुव्वत जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर एक वाक़या पेश आया कि जब एक चोरी के वाक़े पर सिफारिश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काटने का हुक्म देता। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो अदल व इंसाफ है, माइट इज़ राइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, यहाँ पे जो जस्टिस जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, और अगर है भी तो बहुत तादीर तक जो केसेस हैं, रेड टेपिज़म है, फेवरेटिज़म है, नेपोटिज़म है, बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। अब ये होता है कि नो डाउट इट इज़ अ वेल सेड दैट जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है लोग बड़ा इसको खुशी से मनाते हैं, मनाना चाहिए, लोगों को खुशी देनी चाहिए। लोग जो हैं ये गज़ट हॉलीडे होती है, घरों में आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके बाज़ारों में देखते हैं, बाज़ारों की जो सजावट है, जो रोशनियाँ हैं, लोगों ने जो वहाँ चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं उनको उन्होंने देखना होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना हमें माशरे के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। अब देखें कुरान मजीद में भी है कि वमिम्मा रज़क़नाकुम युन्फिकू, कि हमने जो तुम्हें रिज्क दिया उसमें से खर्च करो। अब कहाँ खर्च करना चाहिए हमें, वहाँ खर्च करना चाहिए द पीपल हु डिज़र्व्स, हु आर पुअर्स, हु आर अनएबल टू अफोर्ड इवन दाल एंड ब्रेड ट्वाइस और थ्राइस अ डे, जो बीमार हैं उनकी हमें तीमारदारी जो है वो करने की ज़रूरत है, और जो यतीम हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके ऊपर जो है ना हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारा माशरा है अगर इसको हमने अमन का गवारा बनाना है तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल हैं उनको
लेके चलना होगा, उनके ऊपर हमें अमल पैरा होना होगा। अब देखिए अखुवत कहीं देखने को नहीं मिलती। अब ये कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर जवां बेताब हो जाए। आज जो ये हमारी मुस्लिम उम्मा है, हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स यूँ ही हैं कि उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनके अंदर जो नस्ल, ये जो रेस है, इसके ऊपर जो यूनिटी का फुकदान है, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल हैं उन्हें हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए, ये हमारी सेकेंडरी जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए असूल हैं ज़िंदगी के अंदर, उन पे हम अमल पैरा हों तो हमारी ज़िंदगी जो है वो और अमन का गवारा बन जाएगी। माशरे के अंदर जो ये आज इंतशार है, माशरे के अंदर जो बिगाड़ है, माशरे के अंदर जो झगड़े हैं, हमारे माशरे के अंदर जो फसाद हैं, अगर हमें इनको ख़त्म करना है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हम उसको देखें, उसको पढ़ें और उसके बाद उस पर अमल पैरा हों। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा व्लॉग है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्पेशली टू द मुस्लिम जो वर्ल्ड्स है। तो आए उम्मीद करते हैं कि हमें इस पर अमल पैरा होना होगा। तो एंड पे मैं यूँ कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।